तो योद्धाओं आपने कल सेलिब्रेशन भी किया होगा और आंसर्स भी लिखने की कोशिश किया होगी मैंने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था हमारा मतलब उल्टा हो गया था मतलब ध्वजारोहण का कॉन्सेप्ट तो वही था कि ध्वजारोहण मतलब क्या होता है ध्वज को नीचे से ऊपर लेके जाना और वहाँ पे फहराना ये होता है ध्वजारोहण ये मैंने सही बताया था और ध्वज फहराना मतलब क्या होता है ऊपर में पोल के ऊपर में ध्वज बंधा होता है उसको सिर्फ़ खोलना और वो होता है ध्वजा फहराना और ध्वजा फहराना को करते हैं कौन राष्ट्रपति 26 जनवरी को ये मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था और ध्वजा रोहण फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री करते हैं पंद्रह अगस्त को इसमें क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है इसमें रटेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जो मैंने मेरे से गलती हुआ अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को तो समझ जाएंगे तो क्या है कि 15 अगस्त को देश हमारा आज़ाद हुआ था इसमें क्या हुआ था ब्रिटिश झंडा का ब्रिटिश झंडा को ऊपर से हम लोग क्या किए नीचे लाए और नीचे से हम लोगों ने अपना झंडा बांधा और नीचे से लेके क्या गए ऊपर गए तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि ब्रिटिश झंडा उतरा उस दिन और भारतीय झंडा ऊपर गया तो ध्वजारोहण किस दिन होगा पंद्रह अगस्त को होगा कौन करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं कहाँ करते हैं लाल किला पे ध्वजा फहराना कहाँ पे होता है कर्तव्य पथ में दिल्ली में होता है कौन करते हैं राष्ट्रपति कैसे होता है पोल के ऊपर में ही झंडा बंधा होता है उसको सिर्फ ओपन किया जाता है और वो झंडा ये होता है थैंक यू कुछ लोगों ने मेरे मिस्टेक को पकड़ा और करेक्ट किया और इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया इसके बाद आप जैसे छत्तीसगढ़ का मैंने टॉपिक दिया है जनजाति वाला आपने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो आपका प्रीलिम्स का बुक है उससे आपने पढ़ा आप उससे पढ़े और वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट था आपने प्रीलिम्स के लिए उसकी तैयारी किया आपने ऑब्जेक्टिव भी लगाया होगा तो आपकी ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक के ऊपर पकड़ हो गई होगी तो प्रीलिम्स आपने उतना अच्छा कर लिया अब उसी चीज़ को देखोगे जब आप मेंस के सिलेबस में मेंस के सिलेबस में आप जब देख रहे हो तो उसमें आपको परिवार गोत्र संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक विकास जनजाति समस्याएँ ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें आपको लिखी हुई मिलेगी तो जब आप मेंस का सिलेबस आपको ख़ुद से देखना चाहिए जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके हाथ में मेंस का सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस देख के ही आपको पढ़ना है जैसे ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैरिज प्लान मैरिज फैमिली प्लान यूथ डॉर्मेट्रीज ट्राइबल डेवलपमेंट हिस्ट्री प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम तो संवैधानिक व्यवस्था जो तक है यहाँ तक हम लोग मेंस के लिए पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रिलिप्स वाले बुक में कुछ टॉपिक्स मिलेंगे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे मेरे पास पुराना एक मेंस का बुक है हरी राम पटेल सर की उससे मैं पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा आप उससे भी कवर किसको कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो आपको पढ़े ही होंगे युवा समूह भी पढ़े होंगे गोत्र भी पढ़े होंगे परिवार नहीं पढ़े होंगे विवाह नहीं पढ़े होंगे जनजाति का विकास इतिहास कार्यक्रम नीतियाँ और इनकी जो समस्याएँ हैं ये आपने फिलिम्स में वाले बुक में नहीं पढ़े होंगे तो ये हम लोग इस बार मीन्स वाले बुक में आज इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग प्रीलिम्स और मीन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति वाला टॉपिक जो हमारे प्रीलिम्स और मीन्स दोनों को कवर करता हुआ दो दिन तीन दिन का हमारा जो टारगेट था वो आप कंप्लीट करेंगे मैंने आपको व्यवहारिक विज्ञान से न्यूक्लियर एनर्जी तक के क्वेश्चन आपको पूछा है और ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है मतलब आ, कोई इसमें डायरेक्ट मतलब दिमाग नहीं लगाना है आपने पढ़ा है आपने इसको लिख लिया लेकिन अब देखो आपको क्या पूछ रहे हैं कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं मेंस के एग्ज़ाम में तो अगर इसी आ, कौन इसी टॉपिक के ऊपर अगर मैं आपको कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ तो जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया है नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास बताते हुए भारत में कार्यरत नाभिकीय संयंत्रों के नाम लिखिए अब एक क्वेश्चन ये बता सक क्वेश्चन ये अगर मेरे को एनालिटिकल क्वेश्चन या क्रिएटिव क्वेश्चन पूछना है इसी टॉपिक से तो क्या पूछ सकता हूँ भारत में अधिकतर न्यूक्लियर पावर प्लांट का विकास दक्षिण भारत में या फिर दक्षिण पश्चिम भारत में किया गया है उत्तर भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में या पस, आ, पूर्वी भारत में नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया इसका एक ये क्वेश्चन हो सकता है दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आ, जो यूक्रेन में चेरनोबिल हादसा हुआ था जापान में फुफूस फुफूकीमा दो हज़ार में जो हादसा हुआ था जिसमें न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट हो गया था और कई सारे लोग डेथ हो गई थी तो ये जानते हुए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत खतरनाक होता है ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है ये जानते हुए भारत का एक एम्बिशियस प्लान है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने का भारत में तो क्या ये सही है ये क्वेश्चन बना सकते हैं तो इस तरीके से कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन इसी टॉपिक से हो सकते हैं तो आपने फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया एक और क्वेश्चन जैसे आप जो से नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं तो भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का विकास देश में असमान वितरण का परिणाम है ये क्वेश्चन आप बना सकते हो कि भारत में पवन ऊर्जा किन क्षेत्रों में अधिक है पवन ऊर्जा संयंत्रों विंड एनर्जी प्लांट कहाँ पे ज़्यादा लगाए गए हैं और वहीं पे क्यों लगाए गए हैं भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का डेवलपमेंट अदर कंट्रीज से स्लो क्यों है धीरे क्यों है? ये एक बना सकते हैं सॉफ्टवेयर फिर कंप्यूटर तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा इससे अब जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर आई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो ये मैंने जो दो क्वेश्चन दिया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था एकदम टू द पॉइंट जो सिलेबस में लिखा हुआ है जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है उसी से ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मैंने कोई भी क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं, नहीं पूछा अगर आपको इसमें कुछ भी पूछ लिए कि सूचना प्रौद्योगिकी शहर को ग्रामों से ग्रामों से जोड़ने में सहायक है या फिर आई आई एक ब्रिज की तरह काम करता है शहर को गांवों से जोड़ने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में चुनौती भी है और समाधान भी है एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो इस तरीके से आप देखो कि इसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन क्रिएटिव भी मिले और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कल पूछा था आज जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसके आंसर्स भी अगर आप सोच सके लिख सके लिखिए और मुझसे कॉपी भी आप चेक करा सकते हैं कभी भी आप इसको लिखिए जो भी मैंने क्वेश्चन आज को पूछा है उसको सोचिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करिए थोड़ा यूट्यूब से पढ़िए थोड़ा सा गूगल करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जी का भी सहारा आप ले सकते हो कहीं से भी आप ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करो और उससे पूछो और लिखने की कोशिश करो तब आप जाके देख सकते हो जैसे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के अगर ये को तो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा डायरेक्ट कि छत्तीस भारत का ओलंपिक 2024 में कैसा प्रदर्शन रहा ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर यही पूछा कि 140 करोड़ का देश और सिर्फ छः मेडल जापान थोड़ा सा छोटा सा देश कम आबादी बूढ़ी आबादी वाला देश लेकिन मेडल टेली में थर्ड नंबर का पोजीशन उसको रखता है तो ये क्या है मतलब ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर एक आंसर आप लिख सकते हो तो ये हो गया क्या एनालिटिकल क्वेश्चन और इसके लिए आपको इसके दोनों पक्षों को जानना जरूरी होता है इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट्स और इसके नेगेटिव आस्पेक्ट्स और एक कंक्लूज़न अपना व्यूज़ आपके पास होना चाहिए जो आप एक लीडरशिप वाला व्यूज़ देंगे आप एक सॉल्यूशन बेस्ड व्यूज़ देंगे ये आपके उसमें डिपेंड करता है तो ये आप बिहेवियरल साइंस वाला टॉपिक है वो आप किए होंगे कल आज का आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर वाला और कीटों वाला इंसेक्ट वाला जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट करेंगे हमारे हिंदी मीडियम वाले नोट्स में तो मिलेगा ही इंग्लिश मीडियम वाले में शायद नहीं होगा वो तो आप वो वाला देखिएगा वो बुक से आप पढ़िए और उसको टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसमें एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है जैसे एफ क्या होता है फूड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम क्या होता है कीट क्या होते हैं खाद क्या होते हैं उर्वरक क्या होते हैं ये सारे टॉपिक आप आज पढ़ेंगे ये आपका होगा आज का टास्क हिंदी और इंग्लिश में मैं रोक दिया हूँ क्योंकि राखी तक हम लोग मैं बता रहा हूँ जिनका वन ट्वेंटी रूल्स नहीं हुआ है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए इंग्लिश वाले सेक्शन के प्ले लिस्ट में उसमें वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर लिखा हुआ है एक कॉपी पकड़िए उसको देखिए और लिखिए समझिए अपनी एक कॉपी वन ट्वेंटी रूल्स की बना रखिए इस वीक हमारा आखिरी होगा उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनका नहीं हुआ है वो कम्प्लीट कर लें और उसको कम्प्लीट कर लें हिंदी में हम लोग उपसर्ग तक किए हैं उपसर्ग तक ही रोक रखे हैं इस वीक जिनका उपसर्ग नहीं हुआ है वो उपसर्ग करें और मुहावरा भी इस वीक हम लोगों ने ख़त्म किया है जिसने मुहावरा ख़त्म नहीं किया वो मुहावरा भी ख़त्म किया है अगले वीक प्रत्यय करेंगे और लोकोक्ति करेंगे तो अगले वीक हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय और लोकोक्ति का तो इस वीक उपसर्ग और मुहावरा ये दो टॉपिक जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लें तो ये रहेगा आपका आज का टारगेट और जनजाति जैसे आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो जनजाति डेवलपमेंट में स्वतंत्रता की पूर्व स्वतंत्रता के पश्चात और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आपको आर्टिकल पंद्रह सोलह पैंतीस तीन सौ पैंतीस तेईस चौबीस उनतीस अड़तालीस ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए जो आप प्राधिकरण पर जनजाति समस्याएं पृथक्करण प्रवासन ये आप पढ़ रहे हैं विस्थापन पर संस्कृतिकरण ये तीस पहले आपको चालीस चालीस मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते थे अनुसूचित क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि कितने जिले कहाँ कहाँ पे हैं कितने विकास खंड हैं जैसे विकास खंड एटी फाइव होगा और पंचायत कितने पाँच हज़ार पचास से शायद तक फिर आप जनजाति समुदायों के बारे में आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है मेंस में भी पढ़ा है तीन और जनजातियों की कुछ विशेषताएं हैं जनजाति की जब भी बारे में आप बात करते हैं तो आप कभी भी ये मत बोलना कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस अगर आपको ये मिलेगा कि जनजाति समाज पिछड़ी समाज है तो आप उसको बिल्कुल भी गलत करार देना कि ये सेंटेंस ही हमारा गलत है जनजाति समाज कभी भी पिछड़ी समाज नहीं है जनजाति समाज के बारे में अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे जनजाति समाज आर्थिक रूप से पिछड़ी है लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है जनजाति समाज बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक के रूप से समृद्ध है सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़ी है क्योंकि इनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं होता है लेकिन इनकी एक समृद्ध संस्कृति है समृद्ध समाज है और एक बहुत ही अच्छा इनका एक क्रिएशन है तो कभी भी ये सेंटेंस आप यूज़ मत करना कि जनजाति समाज पिछड़ी समाज है अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे जनजाति समाज सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सोशल एंड कल्चरल रूप से बहुत ही रिच है लेकिन इकोनॉमिकल रूप से बहुत थोड़ा सा पुअर है ये सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो बाकी और कुछ भी नहीं तो मैंने जो करेक्शन करना था वो कर लिया तो आप उसको एक बार देख लेंगे और जो भी टॉपिक है अच्छे से पढ़िए टेस्ट भी लिखिए और पढ़ने की भी कोशिश करिए ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप एग्जाम के ड्यूरेशन में दो तीन महीने पहले जब टेस्ट सीरीज़ आप दोगे उस समय आप चीज़ों को याद करोगे समझोगे पढ़ोगे ये बिल्कुल भी मत सोचो बाद के लिए कुछ भी नहीं पेंडिंग छोड़ना है सब काम अभी से करके रखना है सब चीज़ आप अभी से याद करो सब कुछ पढ़ लो सब कुछ अभी करना है बाद में कुछ भी नहीं करना है बाद में रिलैक्स करना है और रिविज़न करना है सब कुछ अभी याद करना है इस तरीके से आप अपनी मेहनत को एक डायरेक्शन दीजिए फिर मिलेंगे कल एक नए टारगेट के साथ आज के लिए थैंक यू